ये हल्के मसाले में उबले हुए जाफरानी रंग के भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को सजा के घी में तलना शुरू किया था। आई थिंक तबकमाज एक ऐसी डेलिकेट नहीं कहेंगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स डिश है, अगर उसको कोयलों पे धीमी आंच में नहीं पकाया जाएगा तो इसके जो मीट के जो बीच में स्ट्रिंग्स हैं वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। कोयलों की दहक धीमी रखी गई ताकि तबकमाज की ऊपरी सतह कुरकुरी हो जाए और निचली सतह में लदी हुई चर्बी पिघलने भी ना पाए, और ये कारीगर भी बहुत सलीके से इन तबकमास के नमकीन टुकड़ों को बड़ी तवज्जो से घी में नहलाते हुए सेक रहा था और एक एक करके डेगची में परत दर परत लगाता जा रहा था, क्योंकि जब त्रामी सजनी शुरू होगी